वेल्स हिल, ये है फेरियस होटल मुंबई जो कि एक 4-स्टार होटल है और चीप एंड बेस्ट प्राइस में अच्छी फैसिलिटी देता है, इसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और सुंदर अंदर जाकर दिखाती है, सामने समुंदर है, ये इसके अंदर का व्यू है जो मेरे फ्रेंड ने कैप्चर किया है। इसका लॉबी है, जब वो चेकिंग वगैरह थोड़े रूम वगैरह चेक कर कर के देते हैं उससे पहले थोड़ा वेट करना पड़ता है। आपसे यहाँ पर आधार कार्ड लिया जाएगा, जो भी रहना चाहता है उनका आधार कार्ड देना होगा, गेस्ट अलाउड नहीं होता है। ये है फेरियस होटल जो कि 5-स्टार होटल कहा जाता है पर मुझे तो 4-स्टार होटल लगता है। इसमें इतनी फैसिलिटी है नहीं जैसा मैं पहले रहा हूँ। बाथरूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज साइज़ का है। ये लॉक सिस्टम तो अजीब सा है, पता नहीं सिक्योरिटी टाइप का नहीं लगता है। बाथरूम में एक ही जगह पर सब कुछ है, स्टार ही कहेंगे। बट ये मुंबई है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट को देख करके 4-स्टार को ही 5-स्टार मान ले, क्योंकि यहाँ पर हर जो लोकेशन होता है काफी महंगा होता है। क्या दिया है अपना कुछ इनका है भी कि नहीं है? हाँ अपना इनका सोप है, सोप भी किसी और का, बस कवर इनका है शायद, और कुछ खास वैसा नहीं। एवरेज है बस, ठीक ठाक। बेड की बात करें, एसी वैसी दिया है यहाँ और टीवी भी दिया है, वाईफाई है ठीक पर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है, और लाइटिंग के लिए बस ये है वो है, ऊपर में कोई लाइटिंग नहीं है। आपको एक रात का ये करीब करीब 3,500 रुपये पड़ेगा, और जो दीवार है वो ओके टाइप है, सही नहीं है, ठीक है, फर्ज भी चेंचा चेंचा कर रहा है। एक आईना दिया है इधर और ये छोटी सी पेंटिंग है, और अंदर में कुछ भी नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर जब भी आप आओगे तो आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, जिसके लिए जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर जाएगा, अगर कुछ खाते हो आप उसके लिए तो आपको एक लिफाफा दिया जाएगा कि आपको रिटर्न मिल जाएगा वो पैसा, 2,000 रुपये करीब लिया जाता है। और बाकी इनका मिनी बार का है, बियर वगैरह जो हम लोग पीते नहीं है, मोस्टली तो नॉट अवेलेबल है, खैर हमारे काम का नहीं है। और ये इनके खाने का मेन्यू है, वो सॉरी उल्टा है। इनकी बिरयानी अच्छी लगी मेरे को, बाकी ओके टाइप है। इन्हें बोलने पर पेस्ट दिया है, आप आओगे तुरंत आपको मिलेगा नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना होगा। कंघी वगैरह मांगा मैंने तो 2 बार ही कंघी दे दिया इन्होंने, और बाकी आपको कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए सारा कुछ दे देगा जो कि एवरेज मिलता है जगह। ये उनका की है, की देने का सिस्टम, और पानी बॉटल यही है एवरेज, ठीक ठाक। इधर क्या है, इस साइड में लोग रहते हैं और दूसरे साइड जो है ना इसका वो शायद यहाँ सब दिख रहा नहीं, उसमें समुंदर है। नीचे का अगर देखें तो कुछ इस टाइप का है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है रहते होंगे कुछ, बाकी नीचे का मैं बाद में वीडियो बना कर डाल दूंगा इसमें। बस यही है, बेड की क्वालिटी भी अच्छी है, काफी मोटा गद्दा है, कभी मुंबई आए तो और अच्छी जगह पे रुकना हो तो सस्ते में ये बेस्ट है, अदरवाइज फिर ओबेरॉय है होटल, लेमन प्रीमियर 4-स्टार है पर इससे बेहतर है।
ब्रेकफास्ट जो इस होटल में है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ बफेट सिस्टम है, आप खुद से ही जा करके अपना जो भी आपको खाना है, जूस है, सैलड है, जो भी चीज़ लेना है आप ले सकते हैं। ये हमारा पूल साइड है, ये डाइनिंग एरिया है यहाँ का। बस अब चेकआउट का टाइम हो गया, एक घंटा एक्स्ट्रा चेकआउट का टाइम लिए हैं और उसका कोई चार्जेस भी नहीं है। चलो अब नेक्स्ट होटल कोई होगा तो उसका दिखाते हैं वीडियो। ये यहाँ से लिफ्ट मिलेगा आपको, साइड मेरा रूम। स्लीपर नहीं दिया इन्होंने, स्लीपर यहाँ नहीं मिलता, इसलिए शू पहन कर निकलना पड़ा मुझे। बाकी इमरजेंसी कॉलिंग के लिए सब फोन वगैरह दिया। ये रिसेप्शन एरिया, ये क्या होगा, स्विमिंग क्रिस्टल बैंकेट। ये इनका सिक्योरिटी जगह ना ठीक ठाक जगह पर है। वेरियस गर्ल्स चिल, ये सामने में समंदर है।
करती हुई निगाहें तेरे कैसे मैं बताऊं। ये है समुंदर के सामने में। जी बैठी है मुंबई का समुंदर। वो बिल्डिंग रही